हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर गुड। ये जो मॉनसून का टाइम चल रहा है, इस टाइम में बालों के झड़ने से तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। मैं भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। गाइस, ये सीज़न ही ऐसा है। एक्चुअली क्या होता है कि आप देखिएगा, आपके हर मॉनसून में बाल जो होते हैं वो पुराने बाल टूटते हैं और नए बाल ग्रो होते हैं। बट उसमें क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि यार बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बट बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। 100 to 200 स्ट्रैंड्स भी अगर आपके निकल रहे हैं तो भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप बेसिक होम रेमेडीज़ वगैरह कर सकते हैं या कोई अच्छे ऑयल लगा सकते हैं, उनसे ये हेयर फॉल कंट्रोल हो सकता है। तो गैस, उसके लिए मैं आज आपको वाओ स्किन साइंस के ऑनियन सीड हेयर ऑयल का रिव्यू करने वाली हूँ। इसकी मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग दोनों इंडिया में होती है, तो ये भी एक इंडियन ब्रांड ही है। आप बिल्कुल इसको भी परचेज कर सकते हैं अगर आप कुछ वाओ के प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो। और गाइस, रिव्यू शुरू करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा गाइस, क्योंकि मैं जो भी रिव्यू करती हूँ प्रोडक्ट्स के, वो टोटली बेस्ड होते हैं इंडियन ब्रांड्स पे। जो इंडियन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स होते हैं, मैं केवल उनके रिव्यू करती हूँ। किसी भी आउटसाइडर प्रोडक्ट्स के या किसी बाहर की कंपनी के प्रोडक्ट्स के मैं रिव्यू नहीं करती हूँ। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा लेटेस्ट अपडेट का, जो भी मेरे वीडियोज़ आ रहे हैं। तो चलिए अब रिव्यू शुरू करते हैं गाइस। तो गाइस, ये जो वाओ स्किन साइंस का हेयर ऑयल है, ऑनियन हेयर ऑयल, ये कुछ इस टाइप के कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है और ये आपको ऐसे एप्लीकेटर के साथ मिलेगा। मैंने ये एप्लीकेटर लगाया गाइस, ये आता ऐसे कैप के साथ है, बंद होकर के अच्छे से आता है। और ये जो एप्लीकेटर है, इससे आपकी रूट्स में ऑयल लगने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। काफ़ी अच्छे से ये आपकी रूट्स तक ऑयल पहुँचा देगा, जो कि हम फिंगर्स से नहीं लगा पाते हैं। तो उसके लिए आई रियली गिव इट अ थम्स अप। और इसके अलावा आपको इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे ऑयल्स का ब्लेंड मिल जाएगा गाइस। गाइस, इसमें जो ऑयल्स इन्होंने यूज़ किए हैं, दे आर टोटली कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स। और जो कोल्ड प्रेस टेक्निक होती है ऑयल्स को निकालने की, उसमें बेनिफिट ये होता है कि जो ऑयल है उसकी गुडनेस बरकरार रहती है। तो जो मशीन से निकाले जाते हैं ऑयल्स, उसमें क्या होता है कि हीट जनरेट होने के कारण जो गुडनेस होती है ऑयल्स की, वो भी ख़त्म हो जाती है। बट जो कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स होते हैं, उसमें उनकी गुडनेस वैसी की वैसी ही बनी रहती है। तो ये कोल्ड प्रेस ऑयल के ब्लेंड से बना हुआ है गाइस, और ये 100% वीगन ब्रांड है। इट्स अ क्रुएलिटी फ्री ब्रांड, और इसमें किसी तरीके का ग्लूटेन इन्होंने यूज़ नहीं किया है, और ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड ऑयल है। तो आप बिल्कुल इसको यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सेफ़ है ये, इससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होने वाले हैं। और गाइस, अगर इसमें इंग्रेडिएंट्स की बात करी जाए कि आपको इंग्रेडिएंट्स इसमें क्या क्या मिलेंगे, तो इन्होंने की इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स तो इन्होंने नहीं बताए हैं। तो मैं की इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। इसमें ऑनियन ब्लैक सीड ऑयल मिल जाएगा आपको, आपको आमंड ऑयल मिल जाएगा, जोजोबा ऑयल मिल जाएगा, कैस्टर ऑयल मिल जाएगा, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल। तो ये काफ़ी अच्छे अच्छे हेयर ऑयल्स हैं गाइस। जैसे कि आप जानते हैं कि जो कैस्टर ऑयल है, वो भी बालों की थिकनेस के लिए बहुत अच्छा होता है, बालों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत अच्छा होता है। कैस्टर ऑयल ऐसा ऑयल है गाइस, जो अकेले आपको नहीं लगाना चाहिए, उसको किसी के साथ ब्लेंड करके ही लगाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थिक होता है वो। और इसके अलावा इसमें कोकोनट ऑयल है, जो बालों के नरिशमेंट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जोजोबा ऑयल भी बालों के नरिशमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। हेयर्स में आपको एक अच्छा बूस्ट मिलेगा उसकी ग्रोथ को, काफ़ी ज़्यादा शाइनी आपके बाल हो जाएंगे गाइस। और जो अगर आप हेयर लेंथ भी अपनी बढ़ाना चाहते हैं, ये उसमें भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। जैसे लोगों को बाल्डनेस, बाल पैचेस हो जाते हैं, उसके लिए ये काफ़ी अच्छा है रीग्रो करने में, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि इसमें जो ऑनियन सीड ऑयल है गाइस, ऑनियन के बारे में तो आप जानते होंगे, DIY आप भी करते होंगे, मैं भी करती हूँ DIY की। जब मेरा ज़्यादा हेयर फॉल होने लगता है तो मैं ऑनियन का जूस निकाल करके और 1 टीस्पून एलोवेरा जेल और 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल मिला करके मैं उसको अपने बालों में लगाती थी और फिर मैं अपना हेयर वॉश करती थी। तो गाइस, उससे वो अफेक्टिव तो था, बहुत ज़्यादा अफेक्टिव DIY है ये। बट प्रॉब्लम ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा मैसी प्रोसीजर हो जाता है, तो कभी कभी लगता था यार कि आज नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, तो वो स्किप हो जाती थी वो चीज़। सो दैट्स वाई आई ऑर्डर दिस हेयर ऑयल। काफ़ी अच्छा हेयर ऑयल है गाइस, इसमें आपको ऑनियन सीड की जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल भी आने वाली है। जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको, तो ये देखिए काफ़ी लाइट वेट नॉन ग्रीसी हेयर ऑयल है ये,
और इसमें आपको जो अगर घरेलू भाषा में बोला जाए तो मंगरेल होता है, कलौंजी होता है, उसकी स्मेल आएगी आपको, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है और बहुत देर तक रहती है। आप इस हेयर ऑयल को लगा करके बाहर तो बिल्कुल नहीं जा सकते हैं, घर पे अगर आप रह रहे हैं तो इसको लगाइए गाइस, और आप इसको नहाने के कम आधा घंटा पहले तो इसको आपको लगाना है, अच्छे से स्कैल्प में आप इसको लगा लीजिए और अच्छे से मसाज करके बालों में उसको आधा घंटा छोड़ दीजिए, उसके बाद नहा लीजिए। और सबसे बेस्ट होगा अगर आप इसको नाइट में लगाते हैं, रात में अगर आप इसको लगा रहे हैं तो तब तो ये बहुत अच्छे से अपना वर्क कर लेगा, तो आप इसको रात में भी लगा सकते हैं गाइस। और मेरे बालों पे तो इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क किया है, लाइक मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना अच्छा वर्क करेगा, बट इसने काफ़ी अच्छे से वर्क किया है मेरे बालों में। सबसे पहली प्रॉब्लम तो जो रहती है फिजीनेस की, वो फिजीनेस तो मेरी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है अगर मैं ये हेयर ऑयल लगा करके हेयर वॉश करती हूँ तो। मैं और गाइस मैं कंडीशनर नहीं लगाना पसंद करती हूँ, मुझे कंडीशनर पसंद नहीं है यूज़ करना, जबकि मेरे कर्ली हेयर्स हैं, वेवी हेयर्स हैं, उसके बाद भी इस हेयर ऑयल ने काफ़ी ज़्यादा अच्छे से मेरे फेस को कंट्रोल करके रखा हुआ है और फेस कंट्रोल किया है। और जो हेयर फॉल की अगर मैं बात करूँ तो आप देख रहे हैं, ये देखिए मेरा हेयर फॉल तो बिल्कुल बंद हो गया है, बिल्कुल ही बंद हो गया है। आपको मुश्किल से अगर कभी दो या तीन स्ट्रैंड्स निकलने होंगे तो निकलेंगे, अदरवाइज पहले तो मेरे आराम से 25 से 30 स्ट्रैंड्स आराम से निकल जाते थे हेयर वॉश के टाइम पे, बट अभी बहुत कम, दो से तीन स्ट्रैंड निकलेंगे गाइस, इतना ज़्यादा मेजर डिफरेंस आ गया है। तो मुझे उससे समझ में आया है कि ये मेरे बालों पे काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। और दूसरी चीज़, मेरे बालों की थिकनेस काफ़ी बढ़ गई है, मतलब पहले मेरे बाल बहुत ज़्यादा फाइन थे, बहुत ज़्यादा फाइन थे, बट इसको यूज़ करके मेरे बालों की थिकनेस अच्छी खासी हो गई है, तो मुझे वो चीज़ तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है गाइस। और मेरे बाल की ग्रोथ भी अच्छी खासी हो रही है। इस हेयर ऑयल को डेफिनेटली इसकी दूसरी बॉटल भी खरीदूंगी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है गाइस, सिर्फ मुझ पे ही नहीं, इसने मेरे हस्बैंड के भी हेयर फॉल पे काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट दिखाया है, उनका हेयर फॉल भी बहुत कम हो गया है। तो मुझे तो ये हेयर ऑयल बहुत अच्छा लगा, इट इज़ अ मस्ट बाय प्रोडक्ट फ्रॉम वाव स्किन साइंस। अगर आप वाव स्किन साइंस के प्रोडक्ट ट्राई करना चाहते हैं तो ये ऑनियन हेयर ऑयल तो ज़रूर ट्राई करिएगा गाइस, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड इवन अगर आप अभी वाव स्किन साइंस की वेबसाइट से इसको ख़रीदेंगे तो काफ़ी अच्छे ऑफ़र्स चल रहे हैं, राखी का टाइम आने वाला है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑफ़र्स चल रहे हैं, आप बिल्कुल इनको ग्रैब कर सकते हैं, बाय टू गेट थ्री का ऑफ़र चल रहा है, तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ख़रीद सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा गाइस। इसके अलावा आप इसको नायका से भी परचेज़ कर सकते हैं या अमेज़ॉन से भी परचेज़ कर सकते हैं, मुझे जितने भी लिंक्स मिलेंगे मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप जा करके इसको देख सकें, आप परचेज़ कर सकें वहाँ से। मैंने इसको अपने पैसों से ख़रीदा है और इसको परचेज़ करके मैंने इसको यूज़ किया है, ऑलमोस्ट अ मंथ मैंने इसको यूज़ किया है, और मैं यूज़ करने के बाद ही आपको रिव्यू बता रही हूँ गाइस, ऐसे आपको रिव्यू नहीं बता रही हूँ। सो दैट वॉज द रिव्यू, और अगर आपको मेरा ये रिव्यू अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और गाइस तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने बालों का ध्यान रखिए, यूज़ करिए इंडियन प्रोडक्ट्स, बाय करिए इंडियन प्रोडक्ट्स और बी वोकल फॉर लोकल। मैं मिलूंगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।